गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ रश्मि सिंह, आई एम योर हिंदी टीचर ऑफ क्लास थर्ड एंड यू आर ऑल वेलकम इन टूडेज क्लास. टूडेज अवर टॉपिक इज भाषा, विच इज अ ग्रामर टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड आर बुक नेम इज व्याकरण एंड वी विल सॉल्व टूडे क्वेश्चन आंसर ऑफ पेजेस 7 to 9. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ प्रश्न लिख रखे हैं, सो प्लीज पे अटेंशन टूवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड. फर्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों? नेता द्वारा भाषण देना भाषा का कौन सा रूप है? नेता के द्वारा यदि भाषण दिया जाता है बच्चों, तो नेता भाषण कैसे देता है? मौखिक रूप से. और सुनने वाले क्या करते हैं? उस भाषण को सुनकर ग्रहण करते हैं, समझते हैं. तो यहाँ पर भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप. तो इसका आंसर बच्चों हम इस प्रकार लिख सकते हैं, उत्तर नंबर 1, नेता द्वारा भाषण देना भाषा का मौखिक रूप है. सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बताया, पत्र लिखना, पत्र हम कैसे लिखते हैं बच्चों? कागज पर कलम की सहायता से. तो पत्र लिखना क्या हो गया? एक लिखित रूप हो गया. अगर इस संदेश को कोई समझेगा तो कैसे समझेगा? इसको पढ़कर समझेगा. तो ये भाषा का लिखित रूप हो गया. तो उत्तर किस प्रकार से होगा? पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भाषा किसे कहते हैं? आई हैव ऑलरेडी टॉट यू प्रीवियस वीडियो कि व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या होती है. भाषा एक वे होता है, एक फोर्स होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को हम समझ सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से. इसे ही हम बच्चों भाषा कहते हैं. तो इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए. एक दूसरे की विचारों के आदान प्रदान करने के साधन को ही भाषा कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं. एक होता है मौखिक, जो उसे बोली जाती है, दूसरा होता है लिखित, जिसे हम लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, लिपि किसे कहते हैं? हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपियों के नाम लिखिए. तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, भाषा जिन संकेत चिन्हों के माध्यम से लिखी जाती है, उन संकेत चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं. हिंदी की जो लिपि है बच्चों, वो है देवनागरी, और अंग्रेजी की जो लिपि है वो है रोमन लिपि. बच्चों हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, हर राज्य की जो भाषा होती है वो अलग अलग होती है. जब भाषा अलग अलग होती है तो उनकी लिपियाँ भी अलग अलग होती हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा से क्या मतलब निकलता है बच्चों? राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा होती है जो संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती है. तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है. क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है. तो बच्चों ये हुए कुछ बोर्ड पर लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर. इन सभी को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है. अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मैं किताब के माध्यम से आपको हल कराऊंगी, तो प्लीज पे अटेंशन टूवर्ड्स योर बुक. पेज नंबर 8, यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हुए हैं, तो हमें यहाँ से उन्हें चूज करना है और राइट ऑप्शन को फिल करना है. तो पहला क्वेश्चन, बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना भाषा का कौन सा रूप है? अभी बताया था बच्चों मैंने, मौखिक रूप है. सेकेंड क्वेश्चन, हमारी राष्ट्रभाषा है डैश कौन सी है बच्चों? हिंदी. पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी. भाषा के 2 रूप होते हैं. अध्यापक द्वारा श्याम पट पर लिखना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कथन सही है उनके आगे सही का निशान और जो कथन गलत है वहाँ हमें क्रॉस लगाना है. तो पहला क्वेश्चन, भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं? डेफिनेटली हम भाषा के द्वारा ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, यहाँ पर राइट का निशान लगेगा. सेकेंड क्वेश्चन, भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं? यस, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी भाषा की लिपि देवनागरी है? जी नहीं, या क्रॉस लगाएंगे. अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है. भारत के सभी राज्यों में एक ही भाषा बोली जाती है? क्रॉस कर दीजिए.
बंगाल की भाषा मलयालम होती है, क्रॉस कर दीजिए कि बंगाल की भाषा बंगला होती है। यहाँ पर कुछ राज्य दिए हैं इस क्वेश्चन में और यहाँ पर उनसे संबंधित भाषाएं हैं। किस राज्य की कौन सी भाषा है हमको यहाँ पर सही मिलान करना है, तो सही उत्तर मैं आपको बताती हूँ। कर्नाटक की भाषा है कन्नड़, केरल की भाषा है मलयालम, आंध्र प्रदेश की है तेलुगु, महाराष्ट्र की है मराठी, उड़ीसा की भाषा है उड़िया और पंजाब में बोली जाने वाली भाषा है पंजाबी। तो इस तरीके से आपको टिक लगाने हैं। अब कुछ और विकल्प वाले क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, सही विकल्प को चुनकर हमें यहाँ पर लिखना है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है बच्चों, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी पर हम टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, टेलीफोन पर बातें करना भाषा का कौन सा रूप है, कौन सा है? कोई नहीं, लिखित या मौखिक? मौखिक रूप है बच्चों। भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों? भाषा के दो रूप होते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि होती है? हिंदी भाषा की भी जो लिपि होती है वो होती है देवनागरी। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आज के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।